गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका SST। तो आप भी अपनी बुक अपने पास रखिए। तो इसमें हम अवर एनवायरनमेंट में हम कर रहे थे, हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी बुक, अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल अपने पास रखिए और ध्यान से देखिएगा, ओके? फर्स्ट देखिए, देयर आर मैनी, ये देखिए एक बॉक्स है, इसमें आपको कुछ सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए दिए गए हैं ऑप्शन, ठीक है? तो अब पहला देखिए, देयर आर मैनी डैश वी थ्रो अवे एज वेस्ट। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए, आपने इनको ऊपर यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो सही होगा उसको यहाँ पे आपने फिल करना है। तो आगे बढ़िए, और इसमें आपको मैं नोट्स दिखाती हूँ कॉपी में। तो सबसे पहले कॉपी में आपको डेट डालनी है, ठीक है, लेसन का नाम, ओके? फिर हम कर रहे हैं सी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरीके से ऊपर आप चूज करने के लिए लिख लीजिएगा। तो देखिए इसमें चूज करने के लिए क्या है, ह्यूमन कॉमा डैमेज कॉमा फॉर कॉमा प्लांट्स कॉमा थिंग्स, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, ओके? तो अब फर्स्ट वाला देखिए, देयर आर मैनी डैश वी थ्रो अवे एज वेस्ट। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे फेंक देते हैं, तो चीज़ें मतलब, तो यहाँ पे आएगा थिंग्स। टू देखिए, एयर एंड लैंड गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट डैश एक्टिविटीज। एयर और लैंड क्या होते हैं, दूषित होते हैं, किससे, किसकी एक्टिविटीज से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ह्यूमन, ठीक है? थ्री देखिए, पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर डैश एंड एनिमल्स टू। तो जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो किसके लिए हानिकारक होती है, किसके लिए होती है वो बैड, वो होती है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, तो यहाँ पे प्लांट्स लिखना है। फोर देखिए, यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर। फाइव देखिए, लाउड नॉइसेस हार्म अवर ईयर्स एंड कैन डैश अवर हियरिंग। जो तेज़ आवाज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे लिए हार्म होती हैं, हानिकारक होती हैं, हार्म अवर ईयर्स, हमारे कानों को क्या पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, एंड कैन डैमेज अवर हियरिंग, और किसे ख़राब कर सकती हैं, हमारे सुनने की क्षमता को, हमारे सुनने की पावर को वो क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, ठीक है? इसमें आगे बढ़िए, इसमें एक राइट ट्रू और फॉल्स भी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके पास सैटरडे का दिन है, संडे भी आपके पास है, दो दिन आपको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि 15 अगस्त सैटरडे को आपको काम नहीं मिलेगा, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, तो ये काम मैं इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ। तो ये बी पार्ट है, इसमें बी डाल दीजिए। जो सही है उसमें हम ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स है उसमें हम फॉल्स लिखेंगे, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। वन देखिए, ब्लैक बोर्ड इज अ लिविंग थिंग, सही या गलत, तो ये क्या है, फॉल्स है, ब्लैक बोर्ड कोई लिविंग थिंग नहीं होता है। टू देखिए, स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज कॉमा व्हीकल्स एंड फायर क्रैकर्स कॉज एयर पोल्यूशन। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का धुआं और जो पटाखे जलते हैं उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सही या गलत, तो ये सही है। थ्री देखिए, अस्थमा इज अ व्हीकल, अस्थमा क्या है, एक व्हीकल है, सही या गलत, तो ये क्या है, फॉल्स है, अस्थमा क्या है, एक बीमारी है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो अस्थमा बीमारी होती है, ना कि व्हीकल। फोर देखिए, वाटर पोल्यूशन इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन क्या है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, सही या गलत, तो आप बताइए सही है कि गलत है, तो ये बिल्कुल सही, क्या है ये, वाटर पोल्यूशन नॉर्मल प्रॉब्लम है, नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है ये, वाटर पोल्यूशन क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें हमने क्या लिखना है, फॉल्स, ठीक है? तो इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है? तो इसमें आप एक बार देख लीजिए इसको, ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और आपका राइट ट्रू और फॉल्स है, तो आपने इस तरीके से अपने कॉपी में इसे करना है। और इसी में मैं आपको, आप अपनी बुक अपने पास रखिए प्लीज़, देख लीजिए इसमें पेज नंबर 21 में आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपने खुद करना है। ई पार्ट है, मैच द फॉलोइंग, पहला एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लिविंग थिंग्स, और इस तरफ दिया है डर्टी वाटर, लाउड नॉइज, एस्थमा, एनिमल्स और केमिकल। तो ये आपने अपने आप करना है। एयर पोल्यूशन से क्या होता है,
वाटर पोल्यूशन किससे होता है? डर्टी वाटर पोल्यूशन होता है डर्टी वाटर से. इसी तरीके से लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? तो आपने वो अपने आप ही करना है. ठीक है, अगर नहीं आएगा आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आपने ये अपने आप ही करना है, क्योंकि आपको लेसन पढ़ाया है, इस वजह से आप एक बार लेसन को भी रीड कर लीजिएगा.